तुनिशा की माँ वनिता जी ने तुनिशा का मोबाइल तोड़ दिया, तुनिशा का गला दबाया है, जो तुनिशा ने अपने डायरेक्टर उस टाइम के शो के मिस्टर राहुल करके कोई हैं, मैं नाम पूरा देता हूँ आपको, उसको भी इन्फॉर्म किया है, मिस्टर कंवर ढिल्लन को भी इन्फॉर्म किया है, क्योंकि उसके बाद उनकी माता जी और संजीव कौशल जी चले गए चंडीगढ़ और वो कंवर ढिल्लन के साथ रहने लगी 3 महीने तक। बहुत ही कीमती गिफ्ट्स मुझे दिए गए हैं, मेरे व्हाट्सएप में पुलिस, मेरे यानी कि शीजान के व्हाट्सएप में पुलिस को ऑलरेडी मिल गया है कि जो ईयरपॉड और गिटार दिया था, मैंने वहाँ पे ये क्लियर कट कहा था कि देख तुनिशा तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, कितना लगा है बता दे, मैं पैसे देता हूँ। बाकी तुनिशा ने मुझे ईयरपॉड और गिटार छोड़ के आज तक कोई गिफ्ट नहीं दिया है। इसके बाद की बात, लॉकडाउन के थोड़े पहले इन सारे चीज़ों को लेके संजीव कौशल का नाम जैसे ही आता था, तुनिशा अपने पैनिक अटैक या किसी ना किसी एंजाइटी में चली जाती थी। शी रिफ्यूज़, जिसके वजह से एट द इंस्टिगेशन ऑफ मिस्टर संजीव कौशल, तुनिशा की माँ वनिता जी ने तुनिशा का मोबाइल तोड़ दिया, तुनिशा का गला दबाया है, जो तुनिशा ने अपने डायरेक्टर उस टाइम के शो के मिस्टर राहुल करके कोई हैं, मैं नाम पूरा देता हूँ आपको, उसको भी इन्फॉर्म किया है, मिस्टर कंवर ढिल्लन को भी इन्फॉर्म किया है, क्योंकि उसके बाद उनकी माता जी और संजीव कौशल जी चले गए चंडीगढ़ और वो कंवर ढिल्लन के साथ रहने लगी 3 महीने तक। तो संजीव कौशल जी और उनकी माता जी का क्या रिलेशन है, संजीव कौशल जी और उनकी माता जी तुनिशा को किस तरह से ऑपरेट करते थे, डोमिनेट करते थे, रूल करते थे, हस्तक्षेप करते थे, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है, इन सब चीज़ों से तुनिशा काफ़ी डिस्टर्ब थी। 2016 में जब तुनिशा की कज़िन सिस्टर का देहांत हुआ, वो पूरी तरह से टूट गई और टूटने के बाद उसका मानसिक जो भी था वो ट्रीटमेंट किया नहीं किया, पुलिस अपनी जांच कर रही है।